कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके रिश्तेदार आपसे पैसे मांगते होंगे और आपको पता है कि पैसे वापस मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, तो ऐसे हालात में पैसे देना समझदारी नहीं होगी। पर दिक्कत ये होती है कि पैसा ना दिया तो रिश्तेदार के नाराज होने का डर बना रहता है। अब उस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आता कि क्या करें और कैसे इस सिचुएशन से डील करें। अगर आपकी भी समस्या यही है तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा तरीका ये होता है कि आप थोड़े से नालायक बन जाओ, झूठे बन जाओ, बेशरम बनना पड़े तो वो भी बन जाओ, लेकिन अपने पैसे बचा लो। आपको करना यह है कि जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगे तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि भाई पैसे हैं ही नहीं तो कैसे दूं। लोगों को पता होगा कि आपके पास पैसे हैं, पता रहे इससे आपको क्या, लेकिन जब तक आप उनको पैसे दिखा नहीं रहे हैं तब तक कोई इस बात के लिए आपको झूठा नहीं बोल सकता। तो आप चाहे तो झूठ बोल दीजिए कि भैया नहीं है मेरे पास पैसे। बस इतना ध्यान रखना कि आज पैसे नहीं हैं बोलकर कल 40,000 का फ़ोन मत खरीद लेना, नहीं तो लोग आपको झूठा बोलेंगे ये तय है, और तब रिश्ते भी पक्की तरीके से टूट जाएंगे। कभी कोई परेशान कर दे तो उसको आप अपनी परेशानी गिना दो, और कभी कभी एक स्टार लगा करके एक झूठा पर थोड़ा सा समझदारी से प्रॉमिस कर दो। जी हाँ, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को वादा करिए तो उसको पूरा करिए, लेकिन इस तरह के पैसे मांगने वाले रिश्तेदारों को ये कहिए कि भाई अभी तो है नहीं, लेकिन सामने से इतनी तारीख को इतने पैसे मिलना है, अगर मिल गए तो दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, आप ये ज़रूर बोलें कि अगर मिल गए तो दे दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो सामने वाले को इस बात की अश्योरेंस नहीं रहेगी कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको भी नहीं पता है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगर मान लीजिए उस तारीख को वो आ जाता है पैसे मांगने, तो आप बोल दीजिए कि नहीं मिले यार। साथ में आप उसको ये भी कह दीजिए कि दूसरा इंतजाम भी देखते रहना, अपने काम को दूसरे के भरोसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिससे मुझे पैसे लेना है वो थोड़ा कम भरोसे वाला है। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैसे देने से बचना है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसे में तो रिश्तेदार से रिश्ता बिगड़ जाएगा, तो भाई पैसे देकर कौन सा सुधर जाने वाला है। आप आज पैसे दे देंगे तो वो बंदा कल वापस नहीं करेगा, और जब आप पैसे मांगेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और अगर ऐसे हालात में रिश्ते बिगड़ेंगे जब आपको पैसे मांगने हैं और सामने वाला दे नहीं रहा, तो वो रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। तो पैसे देकर रिलेशनशिप बिगाड़ने से अच्छा है कि ना देकर बिगाड़ लो। और पैसे ना देने पर बंदा 4 हफ्ते गुस्सा रहेगा, 5वें हफ्ते चुपचाप लाइन पर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको पैसे दे दिए और फिर रिलेशनशिप बिगड़ा तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं सुधर पाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि लोगों के गुस्सा होने की नहीं, अपने पैसे बचाने की चिंता करिए, बाकी सब तो होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके को समझकर अपने पैसे बचाएंगे और अपने रिश्तों को भी खराब नहीं होने देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।